हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वायरलेस नेटवर्किंग की। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो टोटल हमने ये पढ़ा था कि जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं वो केबल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क हम कैसे बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ केबल, और यू कैन से दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस नेटवर्किंग। मतलब यहाँ पे हम कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं और उसमें किसी हम केबल का इस्तेमाल नहीं करते, हम डिफरेंट तरह की वायरलेस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वायरलेस नेटवर्किंग टेक्निक्स जो है कई तरह की होती हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, देखिए माइक्रोवेव में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बियॉन्ड द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। मतलब कि इसमें क्या होता है, पहले बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हम नेटवर्किंग करते हैं या जो भी हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, ई एम वेव का। ई एम वेव मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो माइक्रोवेव होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो और टेलीविजन, जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, रेडियो एंड टेलीविजन पे जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज उससे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बियॉन्ड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज यूजली पॉइंट टू पॉइंट एंड यूजिंग डायरेक्शनल एंटीनाज विद ए क्लियर पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो अगर हमें रेडियो और टेलीविजन से बियॉन्ड फ्रिक्वेंसी रेंज को यूज़ करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता कैसा होता कैसे है, ये मान लीजिए आपका अगर ट्रांसमीटर है, ये आपका रिसीविंग एंड है जिसको रिसीव करना है, तो एंटीनास के थ्रू होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एंटीनास लगे रहते हैं, यहाँ रिसीविंग एंड पे एंटीनास लगे रहते हैं। ठीक है, ये एंटीना होते हैं, स्पेशल टाइप के एंटीना होते हैं, और रिसीविंग एंड पे भी एंटीना होगा। ठीक, तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो होता है वो एंटीनास के थ्रू होता है। ठीक, पहला तो ये हो गया। अब सेकेंड आ जाइए रेडियो वेव। रेडियो वेव में क्या होता है कि ये नेटवर्क दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स ऑपरेट्स एट रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें देखिए, जितने भी वायरलेस नेटवर्किंग होती है या वायरलेस ट्रांसमिशन होता है, उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि सारा जो उनका क्लासिफिकेशन होता है वो जनरली फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है। अब जैसे माइक्रोवेव में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, फिर उससे कम जो होती है वो किसकी होती है, रेडियो वेव। तो जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखिएगा। तो ए नेटवर्क दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स ऑपरेट एट रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड इट्स ट्रांसमिशन आर कॉल्ड आरएफ ट्रांसमिशन। इसीलिए इसको इसको बोलते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और इसको बोलते हैं आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईच हॉस्ट ऑन द नेटवर्क अटैच टू एन एंटीना विच कैन बोथ सेंड एंड रिसीव रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो भी आपका हॉस्ट है, ये है जैसे मान लीजिए हॉस्ट है आपका, ठीक है, इस ये एंटीना, यहाँ पे एंटीना से ये अटैच रहता है, ठीक है, और कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए हॉस्ट है, तो ये एंटीना से सिग्नल ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। क्लियर, तो ये इस तरह से नेटवर्किंग होती है रेडियो वेव के थ्रू। अब उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन केस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशंस डू नॉट बेंड राउंड द सरफेस ऑफ अर्थ
बट आरएफ टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद सैटेलाइट्स कैन प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका रेडियो ट्रांसमिशन है वो सरफेस के अलोंग जो है वो बेंड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन आरएफ टेक्नोलॉजी को अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों को कंबाइंड ढंग से यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, द सैटेलाइट कंटेन्स ए ट्रांसपोंडर कंसिस्टिंग ऑफ ए रेडियो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ए ग्राउंड स्टेशन ऑन वन साइड ऑफ द ओसीन सेंड्स ए सिग्नल टू द सैटेलाइट विच एम्पलीफाइज इट एंड ट्रांसमिट्स द एम्पलीफाइड सिग्नल एट ए डिफरेंट एंगल देन इट अराइव एट टू अनदर ग्राउंड स्टेशन ऑन द अदर साइड ऑफ द ओसीन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है कि ये अगर आपका एक बेस स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन वन, और यहाँ इसको सिग्नल भेजना है बेस स्टेशन टू पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कनेक्टेड रहता है जैसे एंटीना से, ठीक है, और यहाँ पे ये एंटीना डायरेक्टली, ये नहीं कि इसने ट्रांसमिट किया और यहाँ वाले एंटीना ने रिसीव किया और यहाँ पे जो भी डेटा है वो हमारा या इन्फॉर्मेशन है वो हमारा रिसीव हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है यहाँ पे ये सेटेलाइट्स होती है, जो सेटेलाइट प्लेस रहती हैं, ठीक है, इन सेटेलाइट्स में ये रिसीव होता है, ठीक। और सेटेलाइट में एक डिवाइस लगी होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर, ठीक है। वो रिसीव करने के बाद क्या करता है कि रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब और स्ट्रॉन्ग करता है, और फिर उसको जिस एंगल पे भेजना है, मान लीजिए इस पे भेजना है तो इस एंगल पे ट्रांसमिट करेगा, मान लीजिए दूसरा स्टेशन है यहाँ पे इस एंटीना पे उसको भेजना है, ये स्टेशन इससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस एंगल पे ट्रांसमिट करेगा। तो ये काम होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, ठीक। ए सिंगल सैटेलाइट कंटेन्स मल्टीपल ट्रांसपोंडर यूजुअली 6 to 12 ईच यूजिंग ए डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मल्टीपल कम्युनिकेशन टू प्रोसीड साइमल्टेनियसली। मतलब क्या हुआ कि एक सैटेलाइट में, एक ट्रांसपोंडर में कई ट्रांसपोंडर लगे हो सकते हैं, ठीक है, और जो अलग अलग एंगल पे ट्रांसमिट करते हैं, जैसे ये एक ट्रांसपोंडर इस एंगल पे ट्रांसमिट कर रहा है तो दूसरा इस पे, ठीक है, तीसरा इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा है, तो यानी इससे क्या होगा कि एक ही बार में कई डायरेक्शन में सिग्नल सेटेलाइट ट्रांसमिट कर रहा है, यानी साइमल्टेनियसली डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। और जनरली एक सेटेलाइट में 6 से लेकर और करीब 12 ट्रांसपोंडर लगे होते हैं, टिपिकली 6 से 12 ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। ट्रांसपोंडर क्या करता है, ट्रांसपोंडर इज अ डिवाइस विच रिसीव द सिग्नल इन द सेटेलाइट एम्पलीफाइज इट एंड सेंड इट टू द अलोंग द रिक्वायर्ड डायरेक्शन, ठीक। दीज सेटेलाइट आर ऑफन कॉल्ड जियो स्टेशनरी। तो इसमें इस सेटेलाइट कम्युनिकेशन में जो सेटेलाइट यूज होते हैं दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी, ठीक है, दे अपियर स्टेशनरी इन द स्काई, क्योंकि ये स्काई में ऐसे दिखते हैं, ऐसे सिचुएटेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो स्टेशनरी दिखते हैं, ठीक है। टू अचीव दिस देयर ऑर्बिट मस्ट बी 22,236 माइल्स हाई। तो जनरली जो जियो सैटेलाइट होते हैं, चूंकि इनको अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी की तरफ बिहेव करना है या दे अपियर स्टेशनरी इन द स्काई, तो इनका जो ऑर्बिट डिस्टेंस होती है अर्थ से वो करीब 22,236 माइल्स, इतनी दूरी पे होते हैं, या अगर इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो आप मान लीजिए 35,785 किलोमीटर्स की दूरी पे ये होते हैं अर्थ से, इतनी दूरी पे ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका, देखिए पहला हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट आ गया आपका इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड में क्या होता है, इंफ्रा रेड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि दिस इज अ वेरी फैमिलियर मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इफ यू आर एट ऑल
अवेयर ऑफ योर रिमोट कंट्रोल। जैसे इंफ्रारेड देखिए शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है, जैसे आप घर के जो डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स है, जैसे आप एसी ऑन करते हैं रिमोट से, टेलीविज़न ऑन करते हैं रिमोट से, ठीक है। अब तो काफ़ी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह ऑटोमे, और जो ऑटोमेटेड लाइट वगैरह आ रही है, ऑटोमेशन में लाइट वगैरह, वो सब इंफ्रा कंट्रोल से, रिमोट कंट्रोल से आप ऑपरेट करते हैं। तो इस रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज यूजुअली लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया। मेन यही है कि इंफ्रारेड जो ट्रांसमिशन होता है उसकी एक बहुत स्मॉल एरिया, लिमिटेड रेंज होती है। जैसे आपको टीवी ऑन करना है तो टीवी का जो भी रिमोट का आपकी रेंज प्रोवाइडेड है, मान लीजिए 8 फीट, 10 फीट, 6 फीट, 12 फीट, उतना। ऐसा नहीं कि आप अपने ऑफिस बैठे हैं और वहाँ से आप टीवी से जो है वहाँ की इंफ्रारेड आपके घर तक पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं है। या आप लॉन में हैं अपने घर के और वहाँ से आप बेडरूम में रख के टीवी को ऑन करेंगे तो उतनी रेंज नहीं होती। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज यूज फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है। जैसे स्मॉल एरिया को कैसे, जो भी उसकी रेंज हो पर्टिकुलर डिवाइस की, जैसे एक रूम, सिंगल रूम कह लीजिए, या ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कह लीजिए। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि द हार्डवेयर इज इनएक्सपेंसिव एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एंटीना। तो ये तो आप जानते ही हैं भाई, हार्डवेयर इनएक्सपेंसिव होता है, अपना एक रिमोट खरीद लिया, आपका काम हो रहा है, ना किसी एंटीना की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग कर सकते हैं आप, लेज़र, थ्रू लेज़र बीम, ठीक है। लेज़र बीम में क्या होता है, द लेज़र ट्रांसमिशन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। इसमें क्या होता है, लेज़र में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लेज़र से जो भी आप ट्रांसमिशन करेंगे ना वो स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो फिर वो रुक जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, दिस इज यूनिडायरेक्शनल बट हैज़ मच हायर स्पीड देन माइक्रोवेव। मतलब यूनिडायरेक्शनल तो जो पहला वाला उन्होंने पढ़ा था, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी होता है लेकिन इसकी स्पीड कहीं ज़्यादा होती है। द लेज़र ट्रांसमिशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ ए लेज़र ट्रांसमीटर एंड ए फोटो सेंसिटिव रिसीवर एट ईच एंड। तो लेज़र ट्रांसमिशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये जो ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक। तो पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रांसमीटर के पास ये एक लेज़र ट्रांसमीटर होना चाहिए और यहाँ पे रिसीव करने के लिए एक फोटो सेंसिटिव इसलिए कि जो लेज़र लाइट को सेंस कर सके। तो यहाँ पे आपको एक फोटो सेंसिटिव क्या होना चाहिए, रिसीवर। बस ये ध्यान रखिएगा जो हमने आपको लिखा है कि ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट लाइन में काम करता है लेज़र ट्रांसमिशन। अगर आप कहिए कि आप ट्रांसमीटर यहाँ पे है, ठीक है, और रिसीवर यहाँ पे है और ये ऐसे जाके तब ऐसे पहुँच जाए तो ये संभव नहीं है। स्ट्रेट लाइन में जाना होगा तो चल ऑपरेट करेगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, अब ये सब चीज़ें तो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो वायरलेस नेटवर्किंग एग्जाम्पल ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो आजकल सब लोग अपना ईयरफोन में और इसमें और उसमें यूज़ कर रहे हैं, स्पीकर में, सारी चीज़ों में। तो ब्लूटूथ जो नेटवर्किंग है वो भी एक तरह से क्या है, वायरलेस नेटवर्किंग है। ब्लूटूथ इज ए प्रोप्राइटरी ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, यूजिंग शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो ट्रांसमिशन इन द ISM बैंड फ्रॉम। अब इसमें जो सिग्नल यूज होते हैं वो मान के चलिए 2400 से लेकर और 2480 MHz तक, ठीक है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल यूज होते हैं फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल सर्विसेज क्रिएटिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क वही है, जैसे आपने अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से आपने ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर लिया, ईयरफोन कनेक्ट कर लिया, और अगर आपका टीवी रखा हुआ है आपके रूम में तो आप अपने मोबाइल को टीवी के रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना एक पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है क्रिएट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। और जब आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, सारी डिवाइसेस आप, मतलब आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है दैट वॉज क्रिएटेड बाई टेलीकॉम्स वेंडर एरिक्सन इन 1994। इट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज ए वायरलेस अल्टरनेटिव टू RS-232 डेटा केबल्स। तो इसको जो डेवलप किया था वो
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन ने, एरिक्सन आप सब लोग जानते होंगे, एरिक्सन कंपनी ने डेवलप किया था 1994 में। उसके पहले तक क्या होता था कि केबल्स यूज होते थे, RS-232 केबल यूज होते थे, ठीक है। तो इसको ब्लूटूथ डेवलपमेंट के बाद एरिक्सन ने इसको रिप्लेस कर दिया ब्लूटूथ से, ठीक है। इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका वाईफाई। वाईफाई भी आज की डेट में लगभग सारे लोग ही यूज़ कर रहे हैं। वाईफाई इज ए मैकेनिज्म फॉर वायरलेसली कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। ए डिवाइस एनेबल्ड विद वाईफाई सच एज पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कॉन्सोल, स्मार्टफोन और डिजिटल ऑडियो प्लेयर कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया वायरलेस नेटवर्क। जैसे वाईफाई का आप जैसे मॉडम आपने घर में लगवाया होगा, तो आप अपने घर में जो भी उसकी रेंज है, आप अपना पूरा एक नेटवर्क वाईफाई की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि घर में जितने भी पीसी हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जितने भी प्रिंटर हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, जो भी स्कैनर हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, मोबाइल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाईफाई नेटवर्क से आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली इसका जो रेंज होता है वो करीब वाईफाई नेटवर्क का 20 मीटर से लेकर, हालांकि इसका वेरी करता है, लेकिन 20 मीटर से लेकर आप और ज़्यादा रेंज तक वाईफाई की रेंज होती है, उसमें आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद वाईफाई के बाद एक और वाईफाई ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी रेंज बहुत ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स होता है, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए वर्ल्ड वाइड, इसको आप लिखिए वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, दिस इज कॉल्ड वाई मैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। मतलब क्या हुआ कि वाई मैक्स इज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर वायरलेसली डिलीवरिंग हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस टू लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। क्योंकि ये वाईफाई, ये जो वाईफाई हमने पढ़ा था, इसका हमने बताया था ना, ये लिमिटेड रेंज होती है 20 मीटर से कुछ सौ मीटर तक, लेकिन ये जो वाई मैक्स है ये बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, ठीक है, मेन चीज ये है। नेक्स्ट चीज इसके बारे में क्या है कि द 2005 वाई मैक्स रिवीजन प्रोवाइडेड बिट रेट्स अप टू 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यानी ईयर 2005 में जो वाई मैक्स की स्पीड थी, वाई मैक्स की, ठीक है, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में, उसकी थी 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। और जिसको फिर डेवलपमेंट के बाद जब 2011 में 2011 में इसका अपडेट आया तो वो पहुंच गया 1 गीगाबिट पर सेकेंड पर फॉर फिक्स स्टेशन। इट इज़ ए पार्ट ऑफ 4th जनरेशन और 4G ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, ये जो 4G टेक्नोलॉजी हम लोग आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, तो ये 4G वायरलेस कम्युनिकेशन है, ऐसे समझ लीजिए आप, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वाई मैक्स फार सरपासेस द 30 मीटर वायरलेस रेंज ऑफ ए कन्वेंशनल वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क। यानी अभी जो इसके पहले हमने वाईफाई का नेटवर्क का पढ़ा था, उसकी जनरली रेंज हम लोगों ने 20 मीटर 30 मीटर, मतलब जनरली मैक्सिमम 30 मीटर तक होती है या 100 फिट तक, तो इससे कहीं ज़्यादा, ठीक है, इसको सरपास करके इससे कहीं ज़्यादा हम वाई मैक्स से जोरिफल एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कितना कवर कर सकते हैं, वायरलेस रेंज ऑफ कन्वेंशनल वाईफाई लोकल एरिया ऑफरिंग ए मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क विद ए सिग्नल रेडियस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का वाईफाई था, इसको मान लीजिए हम 30 मीटर से लेकर और मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ा सकते थे, इसको हम, इसका लोकल एरिया नेटवर्किंग हम बढ़ा सकते थे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब आप मान के समझ लीजिए करीब
किलोमीटर रेडियस तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, 50 किलोमीटर या करीब करीब हो गया आपका 30 माइल्स तक, इतना बड़ा आप कर सकते हैं इसको, इस वाईफाई को। लेकिन वाईमैक्स की जो रेंज होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। वाईमैक्स प्रोपेंट्स होप टू एस्टेब्लिश ए ग्लोबल एरिया नेटवर्क इन विच सिग्नल्स कुड रीच। तो वाईमैक्स जो है करीब करीब पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एरिया नेटवर्क आप बना सकते हैं, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। तो ये अंतर होता है वाईफाई में और वाईमैक्स में। तो आई होप कि आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग फॉर्म करते हैं उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप डेली लाइफ में सुनते भी होंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियो वेव, सेटेलाइट, इंफ्रारेड, लेजर, ब्लूटूथ, वाईफाई और वाईमैक्स। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और टॉपिक वायरलेस टेक्नोलॉजी का रह गया हो तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।